वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ गाइस। आप लोगों को अब नवरात्रि फटाफट से खत्म होने ही वाली है, सो आज मेरा लास्ट फास्ट था बिकॉज हम लोग अष्टमी करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आज लास्ट फास्ट था मेरा। तो हम लोग सुबह उठे, नहाए, देन मैंने पूजा किया आज। और क्योंकि मम्मी प्रेरणा दोनों आज थोड़ा लेट हो गए थे नहाने में, तो फिर मैं नहाई फटाफट से। एंड आज प्रेरणा और मुझे कहीं जाना भी है, वो आप लोगों को आगे पता लगेगा हमें कहाँ जाना है। एंड प्रेरणा और मैंने आज सेम आउटफिट पहना है। मीन्स प्रेरणा का था जो उसने पहना था, जो मैंने पहना है वो मैंने उससे उधार लेके पहना। तो मैं अब बहुत कंफ्यूज हो रही थी हम जा रहे थे तो, कि मैं क्या पहनूं क्या पहनूं, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। फिर मैंने इसे कहा गरीब पे एहसान करा और अपने कपड़े दिए। बदतमीजी रहेगी सारी जिंदगी। तो गाइस बस ना, मतलब हमने पहना ये कोट सेट जो कि दोनों का है बिल्कुल सेम, बस कलर डिफरेंट है। ये आती है ना, मैं इसको दिखा रही हूँ। वो आईब्रो ट्रिमर है, तू क्या कर रहा है उससे? मैं डर गया, मैंने एकदम ऐसे किया, वो चल गया तेरी क्या क्या है ये आईब्रो ट्रिमर है, मतलब ऐसे से बाल दाढ़ी के वो कुछ काटने होते हैं ऐसे। हां गाइस प्रेरणा आती है इससे, अबे आईब्रो ट्रिम करेगा इसकी, काट काट के दिखा ऐसे है ना, जैसे मुझे एक सवाल निकालने माथे। गाइस भी प्रेरणा आती है तो मैं आपको दिखाती हूं। बाकी मैं कैसी लग रही हूं आज? मैंने बहुत नॉर्मल सा मेकअप किया, बस हल्का सा ब्लश, लिपस्टिक एंड मस्कारा, इसके अलावा मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया। बाकी प्रेरणा आती है ना तो मैं आपको दिखाती हूं। आ जाना एक मिनट मुझे कपड़े दिखाने का, इसको हमने सेम पहने हैं। ये भी सही चीज है। उई उई देखो हम दोनों ने सेम कोट सेट पहना, बस इसका उजाला है मेरा नींबू है, बस इतना फर्क है। बाकी चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। अब हम पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, मम्मी ने मेरे लिए बनाया कुछ क्योंकि पूरा दिन फिर कुछ बाहर जा रहे हैं क्योंकि हम मिलता नहीं है। और प्रेरणा ने भी फर्स्ट रखा था तो हमें लास्ट रखना है दोनों को ही। मैंने तेरे साथ जोड़े में रखा था, मतलब मेरा नहीं है। क्यों? मैंने गलती से खा लिया था। कब? मम्मी मामा क्या क्या खाया? पूरा नाश्ता कर लिया। कह रही है मेरा फास्ट है, मैंने कहा हाँ तो इसने फास्ट रखा तो लास्ट। कह रही है मेरा नहीं है, मैंने कहा क्यों? कह रही है मैंने मन्नी मामा के घर पूरा ब्रेकफास्ट कर लिया। अभी सुबह गलती से कर लिया। आज ना पापा सुबह मन्नी मामा के घर बधाई देने के लिए आए थे और बिस्कुट नमकीन पकौड़े रखे सब खा लिया। सही कमाल है तू तो अभी सब खा लिया। तब मम्मी ने बोला तूने खा लिया, कहाँ खा लिया? कोई नहीं, चलो भूल चूक में हो जाता है गाइस। बट मम्मी ने ना मेरे लिए बना दिया कुछ क्योंकि ना फिर गाइस वहाँ बाहर चले जाते, बाहर तो कुछ मिलता नहीं है, मिलता भी है तो मुझे ट्रस्ट नहीं होता कि ओनियन गार्लिक होगा या नहीं होगा। तो बाकी चलो मिलते हैं पहुँच के आप लोगों से, और अभी चलते हैं देखते हैं मम्मी ने क्या बता रही थी कि मम्मी ने मेरे लिए क्या बनाया तो मैं आपको दिखाती हूँ। पास लाओ जरा कैमरा, देखो मम्मी ने कितना अच्छा सब कुछ बनाया है। गाइस मम्मी ने ये तो पहले फ्रूट्स वगैरह काट के दिए हैं और साथ में ये आलू वगैरह आलू बनाए हैं और दही बनाई है। क्या दूं? देखो भिखारी को मेरे हक का पैसा, चार दिन से कुछ नहीं खाया, खाना देंगे हम, फिर 500 नहीं देंगे। गाइस ये कुछ नहीं करता, फिर आप कहते हो ना बेटे को प्यार नहीं करते, इसकी ये हरकतें हैं। बोल नहीं पाता, मैं सुन भी पाता। तो फिर निकल, अंधा भी हो जा, अंधा भी हो जा। मेरे दोनों हाथ भी नहीं है, ऐसे नहीं बोलते नहीं है। मजाक उड़ाते हैं ना, दूसरी का है, दूसरी का पर्चा का है? नहीं वो तुम दोनों मिलके भी दे सकते। हजार वाला भी तो बनाया था अभी। पर क्यों वो नहीं? अरे मैं ये पार्सल के पैसे नहीं मांग रहा, वो जो तूने बोले थे वो मांग रहा हूँ। मैंने क्या बोला था? जब होंगे तब दूंगी। चल ऐसे नहीं, तूने बोलता कल दूंगी। चल चल निकल चुके हैं जाने के लिए और जीजू थोड़े बिजी थे तो हम दोनों को ऑटो से जाना पड़ रहा है। मैंने जीजू को बोला ही नहीं, छोड़ो बोला ही नहीं। क्यों? शाम को मंदिर में जाना है, उसके पैर में भी चोट लगी थी। अच्छा मुझे लगा जीजू ने बोला कि मैं बिजी हूँ तुम चले जाओ। नहीं अच्छा तो बताया है अगर हम भी जा रहे हैं कि नहीं? आप ही कॉल कर दीजिए कि हम जा रहे हैं। अच्छा तो बट मैंने कहा आपको अभी भी नहीं बताया हम कहाँ जा रहे हैं, डायरेक्ट मिलेंगे आप लोगों से जाके। और बाकी अभी हम निकल चुके हैं, हमने ऑर्डर किया निकलते ही। और यार ट्रैफिक की वजह से इतना दुखी है ना, कल भी मैं कल के मंदिर गई थी ना गाइस, पता है अपना इधर पुल उतरते हैं ना, पुल उतरते ही मजनू टीले तक गुरुद्वारे तक ऐसे पैक पड़ा हुआ है ना, मतलब गाड़ी हिलने का भी स्पेस इतनी देर में मिलता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो हम तो अभी दूसरा रास्ता, अंकल को भी नहीं पता था, प्रेरणा मान ने बताया कि तो यहाँ से चलते हैं, अपने का सलो ठीक है यहाँ से चलते हैं। बाकी फटाफट से अभी हम जा वैसे कमला नगर रहे हैं, पहुँच जाए फिर मिलते हैं आप। कमला नगर H2B सलून और ये रहा बर्गर किंग के जस्ट ऊपर है। आपको कमला नगर में जैसे ही एंटर करोगे ना, कमला नगर में एंटर करते ही KFC है, बर्गर किंग है, बर्गर किंग के ऊपर है और यहाँ से स्टेयर्स जा रही है साइड से। सो चलो ये वाली स्टेयर्स है, चलते हैं। और ये देखो इनके प्राइजेस बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। बताती हूँ कि हम कहाँ आए थे, क्यों आए थे। सो गाइस हम लोग आए थे H2B सलून। अच्छा बाकी
तो हम यहाँ पे आके दीदी से मिले, बिकॉज हम लोगों को कराना था प्रिंट ना, तो अपनी करवा चौथ की तैयारी करानी है। नहीं गाइस, मैं इसको महीने से पीछे पड़ी हुई, तब जाके ये आज मुझे नहीं लगी। इतनी बार आते हैं, आपको देखा नहीं होगा हमें कि मैं फर्स्ट टाइम इनके सैलून पे आई थी, बट मुझे बहुत अच्छी सर्विस लगी, इसलिए मैं दोबारा इन्हीं के पास आई। वैसे आपने देखा नहीं होगा, मैं नेल एक्सटेंशन कराया हूँ वैसे मैंने कहीं और से, पर ना कुछ और सर्विस नहीं ली क्योंकि ना दोनों के ना हेयर्स काफी डैमेज हो रहे थे, तो हमने कहा कोई ना कोई सोल्यूशन निकालते, तो हम आके दीदी से मिले, अब जो भी बेस्ट होगा वो हम करवाने वाले हैं एंड आपसे मिलेंगे। एंड H2B है का ये मैं आपको नीचे से हाँ इससे दिखाया गाइस, ये बोल रही थी आपको बोर्ड एंटर गाइस, आप भीड़ देख सकते हो, जहाँ सर्विस बेस्ट मिलती है वहाँ पर लोग खुद डायरेक्ट भाग गए, ये चीज आपको भी पता है। यहाँ भी ना तो आप देख सकते हो कि मीन फ्रेंड और मैं यही ब्लॉग शूट करने वाले, बाकी सब लोग कोई स्मूथनिंग करा रहे, कोई नेल्स करा रहे, कोई लैशेस करा रहे, कोई कुछ सर्विस, बॉयज सर्विस में इंटैक्ट पीछे बॉयज भी है, सब कुछ लगा पड़े हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट है, नेल एक्सटेंशन है, फ्रेंड आई लैशेस भी करवाएगी करवा चौथ के लिए, मैं करवा चौथ से पहले हाइड्रा भी कराऊंगी, और बाकी मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी थोड़ी देर में, बने रहना। एंड अभी आप मेरे बाल देख लो गाइस, मैंने स्मूथनिंग कराई थी, दो तीन साल हो गए उसके बाद से ना ये काफी ज्यादा कर्ल, और मुझे सबसे इम्पोर्टेंट कटिंग चाहिए थी क्योंकि बहुत ज्यादा इधर उधर हो रहे थे। तो बाकी अभी आप लोग देख लो, फिर मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। दोनों ही आए थे क्या, दो ब्लॉग कराने, यार मैंने सॉन्ग बंद करवाया उनसे अभी, बिकॉज ना गाइस सॉन्ग कंटिन्यू चल रहे हैं, उस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अपने ब्लॉग में मुझे नहीं लेगी, क्यों ले रही मुझे? तो तूने भी मुझे अपनी हर चीज़ में लिया नहीं दिया मैंने, तो आई क्यों है मेरे साथ? यस गाइस, अब ठीक है गाइस, कोई दिख तो नहीं ना आपको फालतू बंदा। हाँ तो अभी सबसे पहले हेड वॉश के पास नहीं गाइस, अब मेरा कैमरा पूरे टाइम ऑन रहने वाला है, पूरे टाइम ऑन रहने वाला है ताकि आप इजीली देख सकें। तो करवा चौथ के लिए कर रही, तू क्यों कर रही भाई? अपने आप को ठीक रखो, इसमें क्या करवा चौथ और दिवाली और दशहरा, क्या जब मर्जी जिसका जो मन करवाओ। तो चलो गाइस, प्रोसेस तो अभी भी चल ही रहा है, एंड यार केराटिन स्मूथनिंग मतलब ये सब चीज़ें कराने में ना काफ़ी टाइम लगता है, बट मेरा फास्ट था, मुझे ना बैठे बैठे तो इतना सर में चढ़ रहा है, ऊपर से आज फास्ट भी है, बट आज का दिन ही फ्री था तो हमने सोचा आज ही करा लेते हैं। तो अभी भैया ने मेरे को माजा ला के दिया है, फ्रेंड और मैं दोनों माजा पी रहे हैं, बाकी देखो कितना टाइम लगता है कितना नहीं। हेड वॉश तो मेरा हो चुका भैया, इसके बाद और कितने स्टेप है? दो स्टेप हो रहे हैं, एक है, हाँ। और टाइम कितना लगेगा? डेढ़ घंटा लगेगा। और मजे क्या लू इसमें? बैठे रहो। बाकी मुझे ना कमरे में कुछ शॉपिंग भी करनी है, बट यार ये करवा के तो मैं घूम नहीं पाऊंगी, और पहले मैंने करी नहीं, स्टूपिड हूं गाइस मैं, अब देखो कैसे क्या करना है। देख सकते हो इसे अभी पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, बट अभी से ही सुंदर लग रहे हैं गाइस ये। मैंने जब पहले कराए थे ना तब भी मुझे स्टार्टिंग में इसका लुक बहुत पसंद आता है, बस ना मुझे एक प्रॉब्लम रहती है कि ना ज़्यादा चिपके चिपके हो जाते हैं, मुझे बाउंस रहे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। भैया ऐसा क्यों होता है? मतलब जब भी कैरेटिन स्मूथनिंग कराओ इसमें बाल बहुत चिपके चिपके हो जाते हैं, बाउंसिंग नहीं रहते। क्या है कि ना फोन जो हम ब्रेक करते हैं ना वो स्टेडी हो जाता है, ऊपर स्टेडी कर देता है। सिर्फ अभी फर्स्ट स्टेप है, और मैंने ज़्यादा कुछ अभी मतलब पूरा हुआ भी नहीं है, फर्स्ट स्टेप है ओनली, बट मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं अभी से, बाकी होने के बाद तो मैं आप लोगों को तभी बताऊंगी। देखिए लास्ट स्टेप जो कि कैरेटीन लगा हुआ है, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, बट हाँ इसके बाद भी वॉश प्रेसिंग एंड ऑल सब कुछ है, बट हाँ यार मैं तो थक गई बैठे बैठे, और कब होगा कंप्लीट? यहाँ पर मेरी स्मूथनिंग हो चुकी है कंप्लीट, मैंने स्मूथनिंग प्लस कैरेटिन करवाया था, तो दोनों ही हो चुका है, बाकी ना मुझे कटिंग और करवानी थी, बट भैया कह रहे थे वो आप परसों जब वॉश पे आओगे तब कराओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज अभी बैंड हो जाएंगे। बाकी भैया मुझे अभी हाँ भैया अभी मुझे बता रहे कि अभी आपको इन्हें आगे करके सोना है, दो दिन तक जब तक आप वॉश के नहीं आओगे इन्हें बैंड नहीं करना, इन्हें क्लच नहीं करना। मैंने कहा भैया मैंने पहले भी कराई है मुझे ये सब पता है, बट यार मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं करवा के।
बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे। बाकी ना परसों मुझे कटिंग करवानी है, बस कटिंग करवा के जब मेरा फाइनल लुक जो होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी, बट अभी आप लोग लुक देख सकते हो, चेक कर सकते हो, बहुत प्रीटी लग रहा है। सो अगर आप लोगों को कुछ करा रहा है ना गाइस, तो बिना देर करे फटाफट से आ जाओ, बस मीन्स इतना रीजनेबल प्राइस है एंड बहुत ही अमेजिंग। मैंने फर्स्ट टाइम करवाई थी, मुझे जब मैंने करवाई थी वो भी मैंने कमलानगर से एक जगह से ही कराई थी, मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ी थी, बट हाँ उन्होंने अच्छी की थी, बट हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ी थी। एंड उस टाइम पे सिर्फ मैंने स्मूथनिंग करवाई थी, अभी मैंने स्मूथनिंग कैरेटिंग दोनों करवाया है। ओके कैरा स्मूथ करा, प्रेरणा का भी हो गया, बस दो चार मिनट बचा है, मैंने इसे मोमोज खाने हैं, तो मैंने कहा चल कोई नहीं, तो कह रही है पुण्य, तो कह रही कि ना थोड़ा पुण्य लगेगा बहन, तू मुझे ना बस हाफ प्लेट दिला दियो। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तो खा लियो और बाकी मिलते हैं। हम दोनों के हेयर्स यहाँ पे हो चुके हैं कंप्लीट एंड ना दोनों के ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ये एक्सटेंशन कराने के पीछे पड़ रहे हैं। मैं इसे बोल रही हूँ नो 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 नो, बट ये मेरी बात नहीं मान रही। एंड यहाँ एरिया में हमने अपनी वीडियोस कंप्लीट करी हैं, अभी ट्रांसफॉर्मेशन पर है बहुत ज़बरदस्त, और सी माई हेयर बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं कॉमेंट करके बताओ ना। अगर थोड़ा घूमने फिरने के लिए आ गए, वैसे तो रोज ही आते हैं, कुछ नया तो है नहीं, बट फिर भी आ गए। फिर भी ला दे मेरा गला सूनना पड़ा। आ मेरी बीवी, चल तुझे मंगलसूत्र दिलाऊं। और गाइस बाकी ना पता है करवा चौथ कह रही हूँ, करवा चौथ तो चल ही रही है, बट दिवाली के लिए भी सब कुछ आ चुका है। दिवाली के लिए जो जिसको ये चलो गाइस मिलते हैं, फिर चुके हैं घर पे हमने, फटाफट हम वहाँ से निकले, जो भी फिर काम वाम था वो किया, मींस प्रेरणा को मोमोज खाने थे एंड मंगलसूत्र लेना था। मैंने ये रिंग ली है, मैं दिखाती हूँ आपको, मुझे रिंग्स पहनने का बहुत शौक है, तो अच्छी लग रही थी मैंने तो ले ली, 120 की सही थी तो ले ली मैंने। और बाकी अभी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद मम्मी ने पूजा कर दिया, बट फिर भी थोड़ा, और सैटरडे है तो गुरुद्वारे जाना है, अभी देखते हैं बाकी कैसे जाना है, कौन कौन जाने वाला है, और मिलते हैं। बट मैं सबसे पहले कपड़े चेंज कर लूँ, बिकॉज सुबह से नहीं पहन पहनूँ ना, मैं थक गई, बैठे बैठे भी थक गए, मुझे लेटने का मन कर रहा है, और लेटना कैसे है भैया ने समझा के भेजा है, मैम दोनों तरफ से आगे और फिर आपको पीछे लेटना है। मैंने कहा ठीक है, तो चलो रेडी कर, रेडी कह रही हो, चेंज करते हैं। देन हम लोग आ गए थे घर, और देखो गाइस मम्मी ने मेरे लिए कितना अच्छा सारा ब्रेकफास्ट वाला खाना बनाया। तो पहले मैंने माता रानी को भोग लगाया, पूजा मम्मी ने कर दी थी, मैंने आपको बताया था, और यार मैंने मम्मी को बोला था बस कि मम्मी मुझे ना दही और चटनी खानी है और आलू की सब्जी बना देना, पर मम्मी ने इतनी अच्छी प्यारी सी मेरे लिए प्लेट सजा के रखी है, सब खा के मिले। चलो डाड़ा बाय बाय। बताया था कि हम लोग बहुत कंफ्यूजन में थे कौन कैसे जाएगा गुरुद्वारे, वो आइडिया नहीं था, बट फिर मम्मी ने कहा कि मम्मी जा रही थी अकेले, तो मैंने कहा अकेले तो मत जाओ, अकेले कैसे मैनेज करोगी, तो मैं मम्मी के साथ आ गई। मैं आ रही थी तो आदित्य ब्रो, आज इतने टाइम बाद हमारे सब गुरुद्वारे चल रहे हैं, मैंने फटाफट से अपने कपड़े चेंज किए, मम्मी मैं हम तीनों रेडी हुए फटा रेडी, तो ये लोग तो कुछ हुए नहीं, मैंने ही कपड़े चेंज किए। क्योंकि मम्मी कह रही है बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, मतलब ये लगा तो काफी बड़ा है, काफी अच्छा है, पर इसमें ना भीड़ काफी ज्यादा रहती है, और भीड़ की वजह से मम्मी कह रही है बहुत सारे ऐसे वैसे लोग भी घूमते रहते हैं, तो खामा का फालतू बच्चे घूमते हैं, मम्मी कह रही है, मम्मी कह रही है जाना है तो पंजाबी बाग जाओ, वहाँ पे बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा मेला लगा है, और वहाँ पे मीन्स ऐसे कोई गंद वगैरह नहीं होता कि मतलब फालतू लोग घूम रहे हैं, अपना इजिली घूम सकते हो। तो मैं प्लान कर रही हूँ एक दो दिन में गाइस पंजाबी बाग वाले मेले में। हाँ टिकट है ना, वहाँ पे टिकट है ना, टिकट एंट्री टिकट है, एंट्री टिकट है वहाँ पे, पहले तो दो होती थी, एक लग कुछ एक और। हाँ बोलते होती बता के आया करो, तो देखो इस वाले व्लॉग में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं एक दो दिन में
पंजाबी बाग वाले मेले में आऊंगी, और वो आऊंगी कब वो मैं मॉर्निंग स्टोरी अपलोड कर दूंगी, देन इवनिंग तक आऊंगी और बता दूंगी आप लोगों को। बाकी मैं डिस्कस करती हूँ मम्मी से कैसे पासेस होते हैं, कैसा क्या होता है। गाइस फाइनली अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, क्योंकि गाइस इतनी थकावट के बाद अब जाके फ्री हुआ जिसमें रात के 3 बज रहे हैं। एंड गाइस मैं इतना दुखी हूँ ना इस लड़के से यार, 3 बज रहे हैं और ये अभी तक टीवी देख रहा है। मैं इसको बोल रही हूँ कि तू टीवी बंद कर दे जब मुझे प्रॉपर नींद आ जाए, मैं फ़ोन रख के सो जाऊँ। जब तक टीवी बंद नहीं होता सब लोगों की चहल पहल रहती है, उधर लाइट जलती है। एंड गाइस आप लोगों को पता है आज क्या हुआ, हम लोग ना मतलब निकले ही थे गुरुद्वारे जाने के लिए, मजनू टीले तक ही पहुँचे थे, प्रेरणा का कॉल आ गया। रुक जाना, प्रेरणा का कंबल ओढ़ तो रखा और कैसे करेगा। तो प्रेरणा का कॉल आ गया कि वापस आ जाओ, नूना गिर गई है। तो गाइज नूना ना आज काफ़ी गिर गई थी सड़क पे, तो नूना का ना फेस वगैरह यहाँ से सब कुछ छिल गया है, हाथ पे पैर पे सब जगह चोट आई है। हम लोग थे नहीं, नूना बाहर खेल रही थी एक बच्चे के साथ, तो उसके साथ गिर गई। अंशु भी था बट गिरना था तो गिर गई, काफ़ी ज़्यादा चोट लगी। मम्मी तो काफ़ी रोने लग गई थी, पापा परेशान हो गए थे। नूना को डिवाइन दिखा के लाए उस टाइम, बट यहाँ पे बच्चों का डॉक्टर नहीं होता, बट हमने रात को दिखा दिया था, कल हम देखेंगे लेके जाने। नहीं इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी, बट हाँ थोड़ा खरोच है और सड़क की खरोच ना थोड़ी ख़राब होती है, इसलिए हम सारे लोग बहुत परेशान हो गए थे। फिर हम लोग फटाफट से घर आए, हम लोग गुरुद्वारे में रुके भी नहीं, बस हम गए फटाफट, एकदम ने 5 मिनट में मत्था टेका, फटाफट हम लोग वापस आ गए। सोना यार जल्दी कर ले, सोना तेरे को, तू टीवी बंद कर। फिर ये जो चल रहा है और गाइस बाकी अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए, बाल लटका के सोना है, तो आज इस साइड को सोने वाले हैं। और बाकी मिलेंगे कल न्यू ब्लॉग के साथ। मेरा हेयर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा बताना कमेंट करके। एंड बाकी ना ये वैसे अभी कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट लुक आपको परसों देखने को मिलेगा, जो मुझे और चीज़ें करानी है मैं परसों करवाऊंगी। एंड आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय गाइस, लव यू, एंड लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई।